हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिवरेज के दूषित पानी से मोहल्ले में बढ़ रही समस्या, नगर परिषद को शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान। सीवेज का दूषित पानी मोहल्ले में फैलने की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया, जिसको लेकर शहर के रामलीला मैदान शहीद नगर आई महिलाओं ने जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंप बताया कि रामलीला मैदान स्थित प्याओ के पीछे की बस्ती में सिवरेज लाइन बिछाई गई है, लेकिन सिवरेज लाइन में लीकेज होने की वजह से उसमें से सारा गंदा पानी लीकेज होते हुए बस्ती में फैल रहा है, जिस वजह से बस्ती के लोगों का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया। इस समस्या को लेकर स्थानीय पार्षद और नगर पार्षद को भी शिकायत की गई, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो दूसरी ओर इस गंदे पानी की वजह से मच्छरों का भी जमावड़ा हो रहा है, जिससे उनके क्षेत्र में बीमारी फैलने का भी अंदेशा बना हुआ है। महिलाओं ने ये भी आरोप लगाया कि नगर परिषद की लापरवाही की वजह से इस समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही हालात रहे तो इस क्षेत्र में बड़ी महामारी भी फैल सकती है। इस मौके पर पुनीता, कमला, राजू, पार्वती, राजकुमारी, मीनाक्षी, अनीता, दरिया, सावित्री, सायरा बानो, राधा, पुष्प समेत कई महिलाएं मौजूद थी। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए पुनीता, इन्होंने ये कहा, कई समस्या सिविल लाइन बनी सिविल लाइन में गटर बनाया है, वो गटर ने कोई सेंक्शन नहीं दे रही हो, सब कोई यहाँ घरों में आ रही हो, गंदगी पहले भी सब बंदे बीमार पड़ रही है, वो हमारी कोई सुनवाई नहीं दे रही है। मैं राकेश भाटी साहब को जाई आया और रमेश ने दे दियो और अखबार में दे दियो, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, सब बीमार पड़ रही, आगे तो बीमारी हाल रही है, बहुत ही बीमार पड़ रही है। जागरूक टीवी के लिए पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट।